को जाकर जब हम उस डेड बॉडी को देखते हैं, यूं अच्छा सा वारम खुद को। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम रिवर पुलिस पीरजो पोस्ट से अपनी ड्यूटी पे बसर अंजाम दे रहे थे पेट्रोलिंग। हमने कुछ लड़कों को वो ओल्ड जीरो ब्रिज या वुडन ब्रिज के पास नहाते हुए देखा। दो तीन लड़के थे, दो लड़के ऑलरेडी हमने पानी में देखे, उनमें से एक छोटा 14 साल था, उसका नाम नसीर अहमद था, तो दूसरा उससे थोड़ा बड़ा ही था। कि जो बड़ा वाला है इसको हमने देखा ये डूबने लगा, पानी की सतह के नीचे जा रहा था। सही वक्त सही कोशिश की हमने, इन दोनों को बोट पे चढ़ाया तो इनसे बातचीत की। छोटे बच्चे ने बोला मेरा नाम नसीर है, मैं तैरना थोड़ा जानता हूँ, ये जो दूसरा है मेरे साथ ये तैरना नहीं जानता है। लेकिन शुक्र रब का और इनकी ज़िंदगी हयात थी तो इनको हमने बचा दिया। फिर हमने इनके पेरेंट्स से रابطہ करने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन फ़ोन करके भी उनसे कोई रابطہ नहीं हुआ। तो इस वजह से हम रिक्वेस्ट करते हैं इनके पेरेंट्स से और पेरेंट्स से, अपने छोटे बच्चों को कभी नहाने की इजाज़त ना दे ऐसे रिवर जहलिम में। जी देखिए, स्विमिंग तो हर एक को आती है, लेकिन ये जो रिवर जहलिम का पानी है इसमें फ्लो रहता है, काफ़ी फ्लो रहता है। कोई भी ट्रेंड स्विमर हो वो ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकता, ये पानी बहा के सतह के नीचे ले जाता है तो फिर उसकी मौत वाका हो जाती है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम से कम अगर इनको नहाना है, घर में बेहतर है नहाना, अगर आप नहाना भी है किसी स्विमिंग पूल में जाके नहाए जहाँ इनको बचाने वाला कोई हो। लेकिन रिवर जहलिम में नहाना बड़ा इन छोटे, खासकर छोटे बच्चों के लिए, यंग एज बच्चों के लिए काफ़ी मुसीबत ज़रा है, क्योंकि ये पानी काफ़ी बहाव में रहता है तो उसकी वजह से इनकी जान जा सकती है।